असलकुम आज हमारा लेक्चर नंबर ट्वेंटी फ़ाइव है सी एस टू जीरो वन इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का पिछले कुछ लेक्चर से मैं थोड़ी सी धमकी देता आया हूँ थोड़ा सा आपको बताता आया हूँ कि कुछ एक्साइटिंग स्टफ़ आने वाला है आज वो एक्साइटिंग स्टफ़ से हम थोड़ा सा पर्दा उठाते हैं और देखते हैं क्या हम बात करने लगे हैं द आइडिया इज़ अभी तक हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग या जिसको हम नॉर्मल ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग कहते थे टॉप डाउन अप्रोच के साथ उसके बारे में बात करते आए हैं और हमारी व्हीकल जो थी जिस सवारी पे हम चल रहे थे वो सी लैंग्वेज थी कुछ सी प्लस प्लस के फीचर्स हम इस्तेमाल करते आए हैं लाइक उसका इनपुट आउटपुट सिस्टम सी इन और सी आउट हम इस्तेमाल करते आए हैं बजाय सी का जो स्टैंडर्ड प्रिंट एफ़ और स्कैन एफ़ होता था लेकिन बाय एंड लाज हम सी लैंग्वेज के साथ डील कर रहे थे आज जो थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करना है वो है सी प्लस प्लस लैंग्वेज के साथ और बाकी का कोर्स जो है वो हम C++ के फीचर्स और उसके क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे ये मैं क्लियर करता चलूँ कि ये कोर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोर्स नहीं है वो कोर्स बाद में आएगा वो एक प्रॉपर फुल फ्लैज कोर्स है जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात होगी इस कोर्स में हम C++ के इन्हांस फीचर्स जिसमें क्लासेस वग़ैरह हम ज़रूर कवर करेंगे लेकिन जो इनहेरिटेंस और इस किस्म की चीज़ें हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ आती हैं वो हम अगले कोर्स में इंडिपेंडेंटली कवर करेंगे सो लेट्स टेक अ लुक एट कि हमने कौन से एनहांस्ड फीचर्स हैं जो सी प्लस प्लस में इंट्रोड्यूस हुए थे उनमें से चंद एक में गिनाता चलता हूँ वो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे पहला जो है वो है डिफॉल्ट फ़ंक्शन आर्गुमेंट्स। सो इसके बारे में हम बात करेंगे फिर हम इनलाइन फंक्शंस के बारे में बात करेंगे और चलते चलते हम कुछ क्लासेस के ऊपर भी शायद बात करें वरना वो नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा सो so, आइए पहले थोड़ा सा पीछे को चलते हैं और देखें हिस्ट्री क्या है सी और सी प्लस प्लस की सी जैसे मैंने पहले भी एक लेक्चर में ज़िक्र किया था बनी थी सेवेंटीज़ के अंदर और ये बेल लैब्स के अंदर साइंटिस्ट जो थे उन्होंने इसको डेवलप किया लैंग्वेज को इसके अपने प्रेसिडेंट्स हैं ये किन लैंग्वेजेस से डिराइव हुई है किन्ने इसको इन्फ्लुएंस किया लेकिन वॉट वी हैव लर्न सो फार इज के इट इज़ अ लीन एंड मीन लैंग्वेज इट्स अ वेरी कंसाइस वेरी स्मॉल लैंग्वेज विद अ लॉर्ड ऑफ पावर वो पावर मुझे पता है आपके क्वेश्चन आंसर्स देख के कि जी कुछ कंफ्यूजिंग हो रही है ख़ासतौर पर पॉइंटर्स का जो इशू है कि जी पॉइंटर क्या चीज़ होती है कैसे इस्तेमाल करते हैं लेकिन अब जो एरिया आ रहा है कुछ हमने पहले जो मेमोरी एलोकेशन की बात की थी मायलाक वगैरह उससे भी आपको आइडिया हुआ होगा कि जी पॉइंटर्स की पावर क्या है और अब जो हम कवर करेंगे उसके अंदर भी पॉइंटर्स बार बार आएंगे लेकिन मे बी विद डिफरेंट नेम्स एंड मे बी विद डिफरेंट यूजेज एंड इन अ मोर प्रोटेक्टेड एन्वायरमेंट सी के बाद ये काफ़ी मतलब पॉपुलर काफ़ी नहीं कहना चाहिए ये एक ऐसी लैंग्वेज बन गई जिसने दुनिया या प्रोग्रामिंग वर्ल्ड को इट टोकट बाई स्टॉर्म एंड इट बेसिकली कॉन्कर्ड द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंक्लूडिंग यूनिक्स इट सेल्फ रिटन इन द सी लैंग्वेज जब जाके सी की लिमिटेशंस जाहिर होने लगी, तो वो क्या चीज़ें थी जिनकी वजह से हमें लिमिटेशन फील होने लगी लेट्स टेक एज वी हैव लर्न सो फार सी इज़ अ language जहाँ पर are composed ऑफ functions. और functions जो हैं वो बेसिक concept ये है कि एक बड़ा सा प्रॉब्लम लें उसके टुकड़े करने शुरू करें छोटे छोटे modules बनाते जाएँ और फिर modules की जगह पर वो functions लिखने शुरू कर दें जो कि वो modules का काम करते हैं और इन सब फंक्शंस को जोड़ के एक मेन प्रोग्राम के कंट्रोल के अंडर दे के उसको हम अपना पूरा प्रोग्राम कहते हैं ये टॉप डाउन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की अप्रोच थी और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के कुछ मैंने आपको रूल्स भी बताए थे जो अभी भी वैलिड हैं और आइंदा भी वैलिड रहेंगे उनको मैं रिट्रेट करता चलूँ कि जी आपने मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग करनी है छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिखने हैं फंक्शंस लिखने हैं कोई लंबे चौड़े नहीं लिखने जब भी आपको लगे कि एक फंक्शन जो है वो दो तीन चार सफ़े या दो तीन चार स्क्रीन से बढ़ रहा है तो उसको छोटा करने की कोशिश करें एंड ट्राई टू मेक इट कॉन्साइज एंड एवरी फंक्शन शुड परफॉर्म अ स्पेसिफिक वेल डिफाइंड टास्क उसके बाद हमने कहा कि फ़ंक्शंस के अंदर जहाँ तक हो सके वहाँ पर सिंगल एंट्री और सिंगल एग्जिट रूल को ओबे करना चाहिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है एंड इट लीड्स टू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोड व्हेन वी कम बैक टू री इट

वन वी फॉलो द रूल्स ऑफ गुड स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग वो जो पाँच साल के बाद जब हम अपना लिखा हुआ सोर्स कोड खोलेंगे तो उसमें हमें जल्दी से समझ आ जाएगी कि जी हमने क्या किया था और इसको इस्तेमाल कैसे करना है और अगर किसी मॉडिफ़िकेशन की ज़रूरत हो तो हम उसको ईज़िली मॉडिफ़ाई कर लेंगे फिर मैंने ये भी कहा था कि अपने कोड को कॉमेंट किया करें वो भी हमारी याद दहानी के लिए है और सिर्फ हमारे लिए नहीं रिम्बर वैन यू गेट इन टू लार्ज प्रोजेक्ट्स वेन यू गेट इन टू बिगर प्रोग्राम्स तो वो वन पर्सन टास्क नहीं होता नॉर्मली देर अ टीम ऑफ प्रोग्रामर्स वर्किंग ऑन दैट प्रॉब्लम वेन यू वर्किंग इन अ टीम अदर पीपल इन द टीम हैव टू अंडरस्टैंड कि आपने प्रोग्राम क्या लिखा है और आपने किस तरह से क्या लॉजिक इस्तेमाल किया है और उसके अंदर जो कॉमेंट्स हैं वो बहुत यूज़फुल रहते हैं सो so, ना सिर्फ बाद में अपनी याद दहानी के लिए बल्कि वेन वर्किंग इन अ टीम उसी वक्त भी किसी और ने आपका अगर लिखा हुआ फंक्शन इस्तेमाल करना है तो वो ये नहीं होगा कि वो फंक्शन खोल के पहले उसको देखता रहे स्क्रीन के ऊपर और फिर भागा भागा आपके पास आ जाए कि भाई वो तुम्हारा फंक्शन तो मैंने इस्तेमाल करना था लेकिन समझ नहीं आ रही कि तुमने किया क्या हुआ है उसके अंदर सो लिबरली कॉमेंट योर कोड राइट लॉट्स ऑफ कॉमेंट्स एंड राइट यूज़फुल कामेंट्स यू नो एटलीस्ट एला फंक्शन करता क्या है इसको क्या आर्गमेंट्स पास किए जाते हैं उनकी क्या प्रोसेसिंग होती है और ये वापस वैल्यू क्या रिटर्न करता है या क्या प्रोसेसिंग करता है उसके बाद डोंट राइट यूजलेस कॉमेंट्स के जी वाइल्ड लूप से पहले कॉमेंट लिखा हुआ दिस इज़ अ लूप आई मीन एवरी बॉडी कैन सी इट्स अ वाइल्ड लूप इट्स अ लूप सो दे इज नो नीड फॉर देट कॉमेंट हाँ अगर कॉमेंट इस तरह से लिखें, लिखें कि जी द फॉलोइंग लूप प्रोसेस इज द पेरोल ऑफ ऑल द पीपल इन द कंपनी तो फिर एक्चुअल प्रोसेसिंग ऑफ द पेरोल के ऊपर तो लोग गौर कर सकते हैं कि कैसे की हुई है लेकिन उनको लूप आइडेंटिफाई हो जाती है कि जी ये वाली लूप जो है ये काम कर रही है सो एनी वे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के जो प्रिंसिपल्स और आइडियाज़ मैंने आपको बताए वो मैंने कहा वैलिड हैं और वैलिड रहेंगे एंड यू शुड यूज़ देम एज़ द बेसिस ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स दैट यू राइट। नाउ बैक टू वाई वी नीडिड अ चेंज हुआ ये आपको याद होगा अगेन अगर पूरी हिस्ट्री ट्रेस करें ज़्यादा टाइम लग जाएगा लेकिन मशीन लैंग्वेज के बाद असेंबली लैंग्वेज आई जहाँ पे हमने थोड़े से सिम्बॉलिक कोड्स इस्तेमाल करने शुरू किए जो हमें एज ह्यूमन बींगस इट्स ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड रादर दैन राइटिंग वनज एंड जीरोज़ सिम्बॉलिक कोड जो था असम्बली लैंग्वेज के बाद हम थोड़ी सी हायर लैंग्वेज हायर लेवल लैंग्वेज़ की तरफ आ गए मसला कोबॉल या फोर्ट्रैंड यहाँ पे देवर मोर इंग्लिश लाइक सो इट वॉज ईजियर फॉर अस एज ह्यूमन बींगस टू रीड और पीछे कंपाइलर था जो कि उसको उठा के चेंज करता था यहाँ से आगे चले तो ये स्पेगेटी कोड का ज़माना था हर तरफ़ को प्रोग्राम की शाखें जा रही हैं उसको ट्रेस करना डिबग करना किसी और का लॉजिक समझना बहुत मुश्किल बात होती थी मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ मेरे एक दोस्त अमेरिका में काम कर रहे थे ये 1971-72 की बात है उनसे मैं मिलने गया तो उन्होंने मैंने पूछा भाई क्या कर रहे हो उसने अपना शाहकार मुझे दिखाया विच वॉज़ अ बुक ठीक है ना एक किताबचा था अच्छा भला कोई सौ डेढ़ सौ सफ़ों का और वो क्या था वो उनका जो प्रोग्राम उन्होंने डेवलप किया था उसका फ्लो चार्ट था यानी सिर्फ फ्लो चार्ट जो था वो कई सौ सफ़ों के ऊपर कॉन्स्टिट्यूट करता था और उसको मैंने थोड़ा सा समझने की कोशिश की एंड गेव अप इन फाइव मिनट्स के दी आई कॉन्ट अंडरस्टैंड कि इसका लॉजिकल फ्लो किधर जाता है जब हमारे प्रॉब्लम्स और प्रोग्राम्स की कॉम्प्लेक्सिटी इस लेवल पे पहुंची तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग वाज बॉर्न ब्रेक द प्रोग्राम अप ब्रेक इट इनटू स्मॉलर फंक्शंस दैट वी कैन अंडरस्टैंड एंड आर मोर मैनेजेबल बट इसकी भी अपनी एक लिमिट थी वो लिमिट कहाँ पे आई अब देखें वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जी ये फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ये काम कैसे करती है बिफोर वी रियलाइज इसकी लिमिट कहाँ पे आती है जो हम फंक्शनल प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं उसमें जिस डेटा को हमने प्रोसेस करना है वो एक किस्म की बाहर की एंटिटी है इट्स एन एंटिटी दैट डजन बिलोंग टू द प्रोग्राम सो वी राइट दिस फंक्शंस दैट मैनिपुलेट सम डेटा दैट वी विल प्रोवाइड And therefore, our focus is always on the function. When the, uh, the, when the pro uh, problems, jo hai, they became complex. It turned out that we can't leave the data outside. Somehow, data, you have to include it in the program. And a new thought process, this Instead of the programs being driven by functions, the programs should be driven by data. A hint about this approach. Ka. देखें आपने वर्ड प्रोसेसर तो इस्तेमाल किया होगा उसमें अगर आपने वर्ड को किसी को बोल्ड करना हो तो आप क्या करते हैं थिंक अबाउट इट सिंपल आप पहले वर्ड को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद आप कहते हैं इसको बोल्ड कर दो नोटिस दैट द फंक्शन केम आफ्टर वर्ड्स द डेटा ऑन विच इट वॉज टू एक्ट केम फर्स्ट दैट डजन हैपन विद फंक्शंस अभी तक हम लिखते हैं स्क्वेयर एक्स तो हम कहते हैं स्क्वेयर करना है किसको करना है फिर एक्स उसको देते हैं यहाँ पे हम कह रहे हैं लफ्स पहले सेलेक्ट करो और फिर बताओ कि करना क्या है बोल्ड या बताओ अंडरलाइन करना है या जो भी आइटैलिक्स में करना है वो बाद में आता है नाओ द प्रोग्रामिंग अप्रोच इज़ बीग ड्रिवन बाई डेटा जब ये प्रोग्राम्स की कॉम्प्लेक्सिटी इस लेवल पे पहुंची कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग या स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग स्टार्टेड रीचिंग इट्स लिमिट्स पीपल स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ अ न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स दैट न्यू वे

सो ही स्टार्टेड इवॉल्विंग दिस लैंग्वेज जिसका पहले नाम पड़ा सी विद क्लासेस और सी विद क्लासेस से चलते चलते इट इवेंचुली फाउंड अ नेम विच वॉज सी प्लस प्लस और थोड़ा सा आगे का भी बता दूँ इसके बाद इसका फॉलोअप आया जावा के साथ और जावा को स्लैंग के अंदर कई लोग कहते हैं सी प्लस प्लस माइनस यानी सी प्लस प्लस सी से इवोल्व होकर एक बड़ी सी लैंग्वेज बन गई फिर उसमें से कुछ फ़ीचर्स निकाल दिए माइनस कर दिए तो हमारे पास जावा आ गई एनी वे दैट वॉज लाइट हार्टेड इट्स नॉट एग्जैक्टली ट्रू बट एवोल्यूशन यही रही है लैंग्वेजेस की सी प्लस प्लस या सी विद क्लासेज जो है उसके अंदर सिर्फ क्लासेस का कॉन्सेप्ट नहीं कुछ और चीज़ें भी इंट्रोड्यूस हुई उन चीज़ों के बारे में आज हम पहले बात करेंगे और क्लासेज में हम बाद में पहुंचेंगे पहली चीज़ हम लेते हैं डिफॉल्ट फंक्शन आर्गूमेंट्स देखें फंक्शन हम अब तक लिखते आए हैं और फंक्शंस लिखते वक्त हम देखते थे कि जी उनको कुछ हम डेटा पास भी करते थे और पास करके वो फंक्शन उनको कुछ प्रोसेस करता था और डेटा को हमें वापस देता था कई जगहों पे आपने नोटिस किया होगा कि जी एक फंक्शन को चार आर्गमेंट्स अगर पास करने हैं दो या तीन जो हैं वो हमेशा वो ही जा रहे होते और दो या तीन जो हैं वो थोड़े से बदल बदल के हम दे रहे होते फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक फंक्शन है कहता है पावर एक्स एन वेर एक्स इज़ द नंबर जिसकी हमने पावर लेनी है और एन जो है इज़ द पावर टू विच एक्स इज़ टू बी रेज ना सपोज़ आपने लिख तो लिया फंक्शन और फिर इसको इस्तेमाल में लाने लगे तो आपको पता चला कि जी आपके जिस प्रॉब्लम एरिया में आप काम कर रहे हैं उसमें नाइन्टी टाइम्स आउट ऑफ हंड्रेड आप एक्स को स्क्वेयर कर रहे होते हैं ठीक है यूर ऑलवेज स्क्रिंग दैट एंड वंस इन अ वाइल उसका क्यूब भी ले लेते ले हैं या टू द पावर फोर भी ले लेते ले हैं बड़ा कॉन्ट्राइव्ड एग्जाम्पल है बट आई एम ट्राइंग टू लीड अप इन टू द फैक्ट दैट डिफॉल्ट फंक्शन आर्गूमेंट्स आर यूजफुल वेन वी फाइंड कि एक फंक्शन है जिसके कुछ आर्गूमेंट्स ऐसे हैं जो बाय एंड लार्ज उनको एक ही वैल्यू पास की जाती है और कभी कभी उनमें चेंज आएगी या कुछ और एरियाज़ में चेंज आएगी तो उन फंक्शंस को हम डिफॉल्ट फंक्शन आर्गूमेंट्स देना शुरू कर देते हैं न वट डज दिस मीन विद डिफॉल्ट फंक्शन आर्गमेंट्स जब हम फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखते हैं या फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं तो उसके अंदर हम उसके जो आर्गमेंट लिस्ट है वहीं पे वैल्यूज़ देने लग पड़ते हैं एक एग्जांपल ले लें एक फंक्शन है जो कि दो आर्गमेंट्स लेता है पहला इंटीजर है और दूसरा डबल है और उसके साथ कुछ कैलकुलेशन करता है ना नॉर्मली इफ द फंक्शन इज कॉल्ड एफ वी वुड हैव रिटन उसका प्रोटोटाइप एफ इंट आई डबल एक्स कुछ इस तरह से हमने उसकी पहली लाइन लिख देनी थी प्रोटोटाइप कह ली या डेफिनेशन की पहली लाइन अब सपोज़ कि जी आई और एक्स ऐसे हैं जिनको बाएं लार्ज एक किस्म की वैल्यूज़ ही पास हो रही होती हैं बार बार और कभी कभी उनके चेंज की ज़रूरत है तो वो वैल्यूज़ जो कि बार बार इस्तेमाल हो रही होती हैं उनको हम फंक्शन की प्रोटोटाइप या डेफिनेशन की पहली लाइन जो है उसके अंदर शामिल कर देते हैं अब जो मैंने एग्ज़ाम्पल लिया हमने कहा जी एफ़ जो है वो दो आर्गमेंट्स लेता है पहला इंटीजर दूसरा डबल तो हम करेंगे क्या कि अगर इंटीजर को सबसे पहले मतलब कॉमन वैल्यू जो जानी है वो वन है और डबल की जो कॉमन वैल्यू जानी है वो है टेन पॉइंट फाइव तो हम फंक्शन के प्रोटोटाइप में या उसकी डेफिनेशन की पहली लाइन जो है वहाँ पर हम लिखेंगे एफ़ फिर पैरथिसिस के बाद इंट आई इक्ल टू वन कॉमा डबल एक्स टू टेन पॉइंट फाइव पैरेंथिस क्लोज और उसके बाद फंक्शन सारा लिख देंगे देखें हुआ क्या जो अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि फंक्शन की प्रोटोटाइप फंक्शन की डेफिनेशन की पहली लाइन ये आप समझें कि जो सबसे पहले प्रोग्राम के अंदर शामिल होगी अगर आपने प्रोटोटाइप ऊपर दे दिया है तो वहाँ पे आप ये डिफ़ॉल्ट आर्गोमेंट्स देंगे और अगर फंक्शन ही पूरा मेन से पहले लिख दिया है तो डिफ़ॉल्ट आगोमेंट्स जो हैं वहीं पर आप दिखा देंगे होता क्या है अब आप फंक्शन को कॉल कर सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, विद ज़ीरो वन और टू आर्गमेंट्स कैसे सपोज हमने छोटा सा फंक्शन ले लेते हैं एफ़ करता क्या है कि जी इट सिंपली प्रिंट्स द वैल्यूज ऑफ आई एंड एक्स जो भी इंटेजर था उसकी वैल्यू उसने प्रिंट कर देनी है और जो डबल उसको पास हुआ है नंबर उसकी वैल्यू उसने प्रिंट कर देनी है अब मेन के अंदर आप पहले तो कॉल करें एफ को एफ़ विद पैरेंथिस एम्प्टी उनके अंदर कोई आर्गुमेंट पास नहीं करते ये यू शुड ट्राई इट आउट एंड प्रूव टू योरसेल्फ दैट इट वर्क्स व्हाट यू विल फाइंड इज दैट योर फंक्शन इज़ प्रिंटिंग आउट आई की वैल्यू वन और एक्स की वैल्यू टेन पॉइंट फाइव नेक्स्ट कॉल आप करें मेन में से ही एफ ऑफ यानी f को एक्चुअली दो आर्गूमेंट्स चाहिए लेकिन हम भेज सिर्फ एक रहे हैं अब देखें f क्या करता है वो दिखाएगा i की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 10.5। पॉइंट फाइव नाव गो टू थर्ड स्टेप यू से एफ ऑफ टू कॉमा ट्वेल्व नाव द फंक्शन विल शो द वैल्यूज़ i की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 12। इससे थोड़ा सा आपको पैटर्न का अंदाज़ा हो गया कि जी ये डिफॉल्ट वैल्यूज़ इस्तेमाल कैसे हो रही हैं अब इनके थोड़ा से रूल्स की तरफ चलें देखिए मैंने कोई एग्जांपल ऐसा नहीं दिया जहाँ पे i की वैल्यू को मैंने ओमिट कर दिया और हो और कहा हो कि जी f ऑफ 12.0 कोई जादू से इस तरह से चले कि i की वैल्यू वन रहे और x की वैल्यू 12.0 हो जाए ये नहीं होता डिफॉल्ट वैल्यूज आर अप्लाइड स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट एंड देरफोर अगर आपने कोई भी वैल्यू प्रोवाइड की है कॉल करते वक्त यानी मेन में या किसी और फंक्शन से जहाँ से एफ़ को कॉल किया जा रहा है जब भी उसमें आप पहली वैल्यू देंगे तो वो फंक्शन के पहले आर्गूमेंट की वैल्यू को रिप्लेस करेगी दूसरी वैल्यू देंगे तो दूसरी वैल्यू को रिप्लेस करेगी एंड सो ऑन मैं तो एग्जांपल दो आर्गूमेंट्स वाली बात कर रहा हूँ मे बी दस आर्गूमेंट्स जाते हूँ बट वो लेफ़्ट टू राइट असाइन होंगी देर इज़ नो लग्जरी देर इज़ नो फीचर जो ये कहे कि जी पहला आर्गूमेंट डिफ़ॉल्ट इस्तेमाल हो जाए और दूसरे की वैल्यू हम प्रोवाइड करेंगे कॉल करते वक्त अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको पहली वैल्यू भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड दैट यू कैन नॉट ओमिट वैल्यूज़ एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट यू कैन ओमिट दैम फ्रॉम द राइट हैंड साइड इसी रूल को अगर एक और तरीके से देखा जाए कि जी फंक्शन की डेफिनेशन में अगर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ देना चाहते हैं तो इसी रूल के वजह से यू हैव टू रियलाइज़ कि जी द डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ राइट टू लेफ्ट सप्लाई करनी चाहिए फॉर एग्जांपल अगर इसी फंक्शंस को ले लें हम एफ़ को ले लें और हम कहें कि जी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सिर्फ एक्स की देनी है तो एक्स जो है वो उसकी लिस्ट में अखीर पे आना चाहिए ताकि ये रूल डिसोबे ना हो जाए कि जब हम इसको कॉल करें तो जो नंबर देंगे वो पहले आर्गोमेंट को सप्लाई होगा दूसरा नंबर जो है वो दूसरे आर्गूमेंट का सप्लाई होगा अगर आप इसको स्विच कर देते यानी हम कहते f प्रेंथिस के बाद डबल x इक्ल टू टेन पॉइंट फाइव कॉमा आई तो देखें अब x की डिफ़ॉल्ट वैल्यू इस्तेमाल करने का कोई हमारे पास तरीका नहीं है यू विल हैव टू सप्लाई वैल्यूज़ फॉर बोथ ऑफ द आर्गोमेंट्स एज़ पर दिस रूल सो प्लीज़ रिमेंबर वेन एवर यू हैव डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दैट यू वॉन्ट टू यूज़ इन अ फंक्शन मेक श्योर कि जो वो वेरिएबल्स जिनको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दी जा सकती हैं तो वो फंक्शन की प्रोटोटाइप के अंदर वो राइट हैंड साइड पे आएँ ठीक है दे शुड बी ऑन द एक्सट्रीम राइट इसके बाद कोई नॉन डिफ़ॉल्ट वैल्यू वाला आर्गोमेंट नहीं हो सकता उसके लेफ्ट पे नॉन डिफॉल्ट वैल्यू वाला हो सकता है इन अदर वर्ड्स कोई ऐसा रूल नहीं है कि अगर आपने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी तो सारे आर्गूमेंट्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यू दें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है अब प्रैक्टिकली काम कहाँ आएगा सपोज़ हमारा फंक्शन एफ जो है जिसकी हम बात कर रहे थे ये आउटपुट में लिखता है द वैल्यू ऑफ द इंटीजर इज और फिर आगे आई की वैल्यू सो so, ये चीज़ें आप डिफ़ॉल्ट के अंदर भी ले जा सकते हैं कि जी ये हमेशा ये चीज़ लिखता है सो मे बी यू कुड हैव मॉडिफाइड दिस फंक्शन इन सेट कि इसको एक स्ट्रिंग भी पास होती है जो कि इंटीजर से पहले लिखी जाएगी और स्ट्रिंग की वैल्यू ये है द वैल्यू ऑफ़ द इंटीजर इज़ और अगर हम ये चाहें कि जी इसकी जगह पे कुछ और लिख दिया जाए तो फिर कॉल करते वक्त हम नई वैल्यू दे, दे देंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू ओवर हो जाएगी जो आपने कॉल करते वक्त वैल्यू सप्लाई की है वो प्रिंट होगी सो इट इज़ क्वाइट अ यूजफुल मेकनिज़्म द ओनली रूल दैट यू हैव टू रियलाइज़ इज़ कि जी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज किस तरतीब में प्रोवाइड की जाती हैं फंक्शन को लिखा कैसे जाता है और आप कोई वैल्यू ओमिट नहीं कर सकते अगर आप बाद वाली वैल्यू इस्तेमाल या प्रोवाइड करना चाहें कॉल के अंदर सो दैट वॉज एन इशू विद डिफॉल्ट फंक्शन आर्गमेंट्स एज यूजल वेन एवर आई इंट्रोड्यूस अ टॉपिक आई विल ऑलवेज टेल यू कि जी अब आप प्रोग्राम लिखें अपने लिए एंड प्रूव टू योर सेल्फ दैट इट वर्कस ये फीचर सी में नहीं था सी प्लस प्लस में इंट्रोड्यूस हुआ है वन ऑफ डिफॉल्ट फंक्शन डिफॉल्ट आगोमेंट वैल्यूज लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक वो टॉपिक जो है दैट हैज टू डू विद द डलरेशन ऑफ वेरिएबल्स इन साइड द कोड पहले जब सी शुरू हुई थी उसके अंदर रूल ये था कि जी तमाम डेक्लेशन्स प्रोग्राम के ऊपर आनी चाहिए और जब डेक्लेशन्स ऊपर आ गई तो फिर नीचे उन वेरिएबल्स को हम इस्तेमाल कर सकते थे इस रूल को ऑलरेडी हम अपने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं और प्रोग्राम जो लिखे हैं उसके अंदर रिलैक्स कर चुके हैं लेकिन आज एक्सप्लिसिटली उसको टैकल करते हैं सी प्लस प्लस के अंदर एक चेंज जो आया उन्होंने ये कहा कि जी वेरिएबल जो है वो प्रोग्राम में कहीं पे भी डिक्लेयर हो सकता है ओके नॉट जस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम और एट द बिगिनिंग ऑफ द ब्लॉक बट इट कैन बी डिक्लेयरड एनी वेयर इन द कोड फलासफ़ी इसकी क्या है फिलॉसफी ये है कि जी जहाँ पे आपने किसी वेरिएबल को इस्तेमाल करना है तो उस जगह के करीब से करीब जाके वहाँ पे डिक्लेयर करें सो अगेन प्रोग्राम पढ़ते वक्त आपको नजर आएगा कि जी यहाँ पे हमने i को डिक्लेयर किया और साथ ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं नाउ अगेन ये कोई हार्ड एंड फास्ट डायरेक्शन नहीं है इट्स अ फ्लेक्सिबिलिटी यू कैन स्टिल डिक्लेयर फंक्शन और अदर द वेरिएबल्स एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम देर इज़ नो रिक्वायरमेंट दैट यू डिक्लेयर दैम वेरी क्लोज टू द पॉइंट वे यू आर गोइंग टू यूज़ देम सो इट बिकम्स अ मैटर ऑफ स्टाइल अगेन आई विल रेफर बैक टू द डिस्कशन बोर्ड एंड इवन द मॉडरेटेड डिस्कशन बोर्ड जो हम खोलते हैं ओकेजनली आप बार बार ये पूछते हैं कि जी इंट आई इक्वल टू ज़ीरो लिखना बेहतर है या इंट आई और फिर नीचे आई इक्वल टू ज़ीरो लिखना बेहतर है आई से बेहतर वो चीज़ है जो आप अपनाएं ठीक है डिवेलप योर ओन स्टाइल्स इट इज़ नॉट फॉर मी टू टेल यू विच इज़ बेटर एंड विच इज़ नॉट बिकॉज वेन यू टॉक अबाउट स्टाइल इट्स अ मैटर ऑफ पसंद आपको पसंद क्या चीज़ आती है हाँ एक चीज़ मैं कहता चलूँगा बी कंसिस्टेंट इन योर स्टाइल अगर आपको लगता है कि अगर जो वेरिएबल आप डिक्लेयर कर रहे हैं उसको उसी वक्त इनिशलाइज़ कर दिया जाए एंड यू फाइंड इट ईजी टू रीड एंड ईज़ी टू अंडरस्टैंड देन स्टिक विद दैट स्टाइल दे इज नथिंग रॉन्ग विद इट ठीक है ना माई प्रेफरेंस में भी डिफरेंट योर प्रेफरेंस में भी डिफरेंट लेकिन बी कंसिस्टेंट इसी तरह अगर आप लूप्स को ले लें तो लूप्स को भी लिखने के कई तरीके हैं वाइल लूप ले लें तो वाइल के बाद कंडीशन देने के बाद हम ब्रेस ओपन कर सकते हैं उसके बाद उसकी बॉडी आ जाती है और ब्रेस बंद करते हैं दूसरे लोग जो हैं वो वाइल और कंडीशन लिख के नेक्स्ट लाइन पे अकेली ओपनिंग ब्रेस लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट जो है और फिर नेक्स्ट लाइन पे उसकी बॉडी लिखते हैं और अकेली लाइन के ऊपर ब्रेस को बंद करते हैं अगेन इट्स अ मैटर ऑफ स्टाइल एंड चूज विच एवर वन यू फाइंड टू बी मोर कम्फर्टेबल ओके डिवेलप योर ओन स्टाइल बट अगेन आल रिपीट बी कंसिस्टेंट हर दफ़ा एक किस्म का काम करें राइट बैक टू दर डिस्कशन एरिया हम बात कर रहे थे कि जी पहले हमने डिफॉल्ट आर्गूमेंट्स की बात की उसके बाद बात की अब कि जी वेरिएबल्स को डिक्लेयर कहाँ करना है सो अगेन अ मैटर ऑफ स्टाइल बट लेट्स टॉक अबाउट द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस डरेशन एक चीज ये है कि जी वेरिएबल जिस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया जाता है यानी ब्रेसिस के अंदर उसकी स्कोप वो ब्लॉक है यानी अगर ब्रेसेस ओपन की और उसके अंदर आपने कह दिया इंट आई और जब तक वो ब्रेसेस बंद नहीं होती तो आई आपको अवेलेबल है और विजिबल रहेगा जब ब्रेसेस ख़त्म हुई और वो ब्लॉक ख़त्म हुआ तो आई भी ख़त्म हो गया सो बी अवेयर ऑफ दिस कि जनाब वन यू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन अ ब्लॉक दैन द वेरिएबल एग्जिस्ट्स वो जिंदा ही रहता है सिर्फ़ उस ब्लॉक के अंदर उस ब्लॉक से बाहर उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है वो नज़र नहीं आता यू कॉन्ट रेफरेंस इट कंपाइलर ही एरर को पकड़ लेगा दूसरी चीज़ गोइंग बैक टू द फिलोसफी ऑफ डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल वेरी क्लोज़ टू वे वी वॉन्ट टू यूज़ इट तो किताब में भी आपने कई एग्जाम्पल देखे होंगे उन्होंने फॉर लूप लिखी इस तरीके से है फॉर इंट आई इक्वल टू ज़ीरो एंड सो ऑन यानी उन्होंने इंट आई को फॉर लूप के साथ ही डिक्लेयर किया और साथ ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है दो चीज़ें इसके अंदर आपको मालूम होनी चाहिए पहली चीज़ ये जो इंटेजर आई है ये डिक्लेयर हुआ है आउटसाइड द ब्रेसिस ऑफ द फॉर लूप यानी इसका स्कोप जो है आगे बाकी के प्रोग्राम में चलेगा एज़ लॉन्ग एज इसके बाहर कोई और ब्लॉक नहीं था एक ये चीज़ आप ख्याल रखें दूसरी चीज़ ये कि जी ब्लॉक के अंदर अगर आप फॉर इंट आई इक्वल टू ज़ीरो तो कर दिया और फिर ब्रेसिस खोल के आपने वहाँ पे इंट टेंप कर दिया और टैंप को इस्तेमाल किया तो जब फॉर लूप खत्म होगी टैंप मर चुका होगा वो अवेलेबल नहीं होगा बाकी के प्रोग्राम के अंदर एज़ पर द प्रीवियस डेफिनेशन ऑफ द स्कोप आई जो है वो मौजूद रहेगा इट विल अवेलेबल अगेन एंड यू कैन यूज़ इट एज एन ऑर्डनरी इंट इज अ वेरिएबल वेर एवर यू वॉन्ट इट सो ये बात आ गई कि जी हम डिक्लेयरिंग इट वेर वी वॉन्ट टू यूज़ इट वेरी क्लोज टू दैट पॉइंट अगेन स्टाइल की बात है आप चाहें तो पहले इंट आई ऊपर कर देते और फिर फॉर में डाल देते मेरा अपनी प्रेफरेंस तो है वो तो यही है कि जी उसको अलीहदा से डिक्लेयर किया जाए वजह अभी मैंने आपको बताया कि जब हमने फॉर स्टेटमेंट के अंदर इंट आई लिख दिया है तो जब फॉर लूप जो है ख़त्म होती है तो आई फिर भी विजिबल रहता है और अवेलेबल है भाई अगर वो अवेलेबल हो गया है और वो फॉर लूप के बाद भी इस्तेमाल हो सकता है तो फिर फॉर लूप के साथ उसकी एसोसिएशन क्यों फिर हम क्यों कहें कि जी डिक्लेयर ही हम फॉर के साथ कर रहे हैं या तो होता वो मर जाता सो इट्स अ मैटर ऑफ स्टाइल आई एम नॉट सेग वॉट इज़ राइट एंड रॉन्ग आई एम सेंग डिवेलप योर ओन स्टाइल बट बी कंसिस्टेंट विद इट अगेन द एडवाटेज ऑफ यू नो दू कैन आगू बोथ वेज कि जी जहाँ पर हमने इस्तेमाल करना है वहाँ डिक्लेयर किया वेरिएबल ब्लॉक के अंदर जब आप डिक्लेयर करते हैं वहाँ पर तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि जी ब्लॉक से निकले वेरिएबल भी ख़त्म हो गया आपने फिर डिफ़ाइन करना है फिर डिफ़ाइन करें फिर इस्तेमाल करें लेकिन अदरवाइज अगर मेन फ्लो के अंदर आपने दरमियान में आके कहना है इंट आई और फिर उसका इस्तेमाल शुरू करना है तो माइट इज़ वेल डो इट एट द टॉप बट दैट्स जस्ट अ गाइडलाइन दैट माई प्रेफरेंस यू कैन डिवेलप योर ओन प्रेफरेंसेज लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट एरिया एंड दैट इज कॉल्ड इन लाइन फंक्शंस सी प्लस प्लस ने यह भी हमें एक फैसिलिटी दी कि जी इन लाइन फंक्शन डिफाइन या डिक्लेयर किए जा सकें इन लाइन फंक्शन क्या होता है पिछले लेक्चर में जब हम बात कर रहे थे या एक दो तो लेक्चर पहले हमने मैक्रोज की बात की थी और मैक्रोज में मैंने कहा था एक दो आपको छोटे छोटे मैक्रोज भी बना के दिखाए थे मैक्स का बनाया था या सर्कल एरिया की बात की थी कि जब वो डिफ़ाइन होता है और उसका नाम हम कोड के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो प्री प्रोसेसर उसकी डेफिनेशन जो कि शार्प डिफ़ाइन के साथ इस्तेमाल हुई थी वो पूरी डेफिनेशन वहाँ पेस्ट कर देता है और फिर कंपाइलेशन का प्रोसेस शुरू होता है यानी द मैक्रो रिप्लेसेस द डेफिनेशन ऑफ द मैक्रो replaces wherever the द मैक्रो नेम इज़ inside your program. योर प्रोग्राम जो हैं ये भी तकरीबन वैसे ही काम करते हैं Declare करने के लिए आप सबसे पहले फंक्शन के नाम से पहले आप inline लिख देते हैं आई एन एल आई एन ई इसका मतलब ये है ये डायरेक्टिव है टू द compiler saying कि जब ये फंक्शन इस्तेमाल होगा बजाय फंक्शन कॉल जनरेट करने के इसकी जो डेफिनेशन है पूरी बॉडी वो वहाँ पेस्ट कर दो और उसको प्रॉपर आर्गमेंट्स वगैरह प्रोवाइड कर दो फ़ायदा नुकसान क्या है पहला नुकसान की बात कर लेते हैं दिज ऑलवेज अ कॉस्ट एंड अ बेनिफिट नुकसान ये है कि जी अगर वो फंक्शन आपके प्रोग्राम के अंदर दस दफ़ा कॉल हुआ और फंक्शन इट जो है वो दो सफ़े का फंक्शन है तो वो दस जगहों पे दो दो सफ़े पेस्ट होते जाएंगे आपका प्रोग्राम जो है इस तरह से फूल के बड़ा हो जाएगा वेन इट गोज़ टू द कंपाइलर नाव Again, it is not relevant to say is that good or bad because it depends on the particular circumstance. Maybe it's all right. You've got lots of memory, you've got lots of room, and there is no problem with execution of a large source code. So, you can let it bloat. Downside, Well, downside, is not inline functions. But lekin thing to be in mind that inline is a request. It's a hint to the compiler. इट इज़ नॉट अ स्ट्रॉ डायरेक्टिव अगर कंपाइलर का दिल किया तो वो उसको इनलाइन बनाएगा अगर उसको दिल ना किया तो वो ऑर्डिनरी फंक्शन ही कॉल वहाँ पे जनरेट करेगा हाउ डू वी फाइंड आउट वॉट हैपन्स इट्स डिफिकल्ट बट यू कैन डिबर्ग द प्रोग्राम एंड लुक एट द मशीन कोड टू फाइंड आउट के वहाँ पर फंक्शन कॉल जनरेट हुई हुई है या वो कोड पेस्ट हुआ हुआ है बट दैट्स एडवांस्ड फॉर द मोमेंट फ़ायदे की तरफ चलते हैं कि जी इन फंक्शन इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या है देखिए हमने एक मैक्रो डिफ़ाइन किया था पिछले लेक्चर्स में जहाँ पे हमने स्क्वायर लिया था किसी नंबर का हमने उसको डिफाइन कर दिया था एक्सटार एक्स अगर ये ऐसे डिफाइन हुआ हो तो जहाँ पे हम इसको कॉल करने जाते हैं अगर हमने इसको कॉल कर लिया विद समथिंग लाइक आई प्लस जे तो क्योंकि प्री प्रोसेसर ने सिंपल टेक्स्ट सब्सटीट्यूशन करनी है वो वहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देगा आई प्लस जे स्टार आई प्लस जे विच इज़ क्लियरली क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम आई प्लस जे विद इन परंथिसिस टाइम्स आई प्लस जे विद इन परंथीसीज तो हमने कहा था कि जी इस वास्ते मैक्रो डिफाइन करते वक्त जब पैरामीटराइज मैक्रो है तो उसके आर्गूमेंट्स को इनक्लोज करें पैरेंथिस के अंदर ताकि उसकी एक्सपेंशन करेक्ट हो सके दूसरी चीज़ ये थी मैक्रो के साथ कि जी मैक्रो को कुछ नहीं पता कि उसको इंट भेजा जा रहा है डबल भेजा जा रहा है फ्लोट भेजा जा रहा है या क्या दे रहे हैं आप उसने तो टेक्स सब्सिट्यूशन कर देनी है और फिर कंपाइलर ने उसको कंपाइल करना है जब हम इनलाइन फंक्शंस इस्तेमाल करते हैं तो फंक्शनस के तमाम रूल्स जो हैं वो अप्लाई हो जाते हैं अब फंक्शन की प्रोटोटाइप में हमने उसमें लिख दिया है कि जी ये एक इंट दो डबल एक चार ऐसी कोई चीज़ लेगा तो जहाँ पे हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं कोड में जब आप लिखेंगे तो कंपाइलर टाइप चेकिंग कर देगा आपके लिए वो कहेगा जी आप सही तरीके से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं या गलत तरीके से वो कंपाइलर ही पकड़ के आपको गलती बता देगा अब एक तो आपकी टाइप चेकिंग होगी सो स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग इज़ इनफोर्स्ड दूसरा ये कि जैसे मैंने मैंशन किया कि जी इन लाइन इज अ रिक्वेस्ट द कंपाइलर देन डिसाइड्स इज़ द फंक्शन स्मॉल इनफ इज़ इट अप्रोप्रियट इनफ कि इसको इन लाइन एक्सपेंड कर दिया जाए कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आएंगे इट विल बिहेव एग्जैक्टली लाइक एन ऑर्डनरी फंक्शन कॉल लेट अस टेक अ लुक एट सम ऑफ दिस साम्पल कोड टू फिगर आउट कि जी मैक्रो के साथ क्या साइड इफेक्ट हो सकता है और फंक्शन कॉल के साथ क्या साइड इफेक्ट नहीं होता फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मैक्रो लिख देते हैं और उसको कॉल करते हैं विद समथिंग विथ सेज एक्स प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट कर देते हैं हम एक्स को मैक्रो की कॉल के अंदर और मैक्रो आप हैंड आउट्स में भी देख लें वो इस किस्म का है कि एक्स दो दफ़ा इस्तेमाल होता है होगा क्या कि एक्स प्लस प्लस जो है वो दो दफ़ा वहाँ सब्सिट्यूट हो जाएगा और दो दफ़ा सब्सिट्यूट होने की वजह से x जो है वो दो दफा इंक्रीमेंट हो जाएगा विच इज सर्टनली वॉट वी डोंट वॉन्ट हम तो चाहते हैं कि जी एक्स एक दफा इंक्रीमेंट हो और मैक्रो कॉल भी चल जाए लेकिन अगर हम एफ ऑफ एक्स प्लस प्लस लिखते हैं तो ऑब्वियसली वो है फंक्शन कॉल विद अ सिंगल इंक्रीमेंट ऑफ द वेरिएबल एक्स विच इज वॉट वी वॉन्ट अब इन लाइन उसकी एक्सपेंशन भी हो सकती है लेकिन कोई डबल इंक्रीमेंटिंग नहीं होगी ये मैंने एक सिंपल सा आपको एग्जाम्पल दिया है जो मैक्रोज़ के साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं सो बाय एंड लार्ज इट इज़ बेटर दैट यू यूज़ इन लाइन फंक्शनस इंस्टेड ऑफ़ मैक्रोज़ मैक्रोज़ की अपनी यूजेज है बिल्कुल सिंपल छोटी मोटी डेफिनेशन के लिए वो इस्तेमाल कर लें उसका अपना फ़ायदा ये है कि जी वो इंट के लिए भी चलती है डबल के लिए भी चलती है फ्लोट के लिए भी चलती है एंड सो ऑन और यही चीज़ नुक़सानदेह भी हो सकती है कि आप उसको गलत कॉल कर सकते हैं वहाँ पे टाइप चेकिंग एनफोर्स करने के लिए आप इनलाइन फंक्शंस लिखना शुरू कर देते हैं सो दिस इज़ एनदर वन ऑफ द एनहानसमेंट्स जो कि सी प्लस प्लस में आई और सी में नहीं थी सो इन लाइन फंक्शनस का आखिरी पॉइंट मैं नोट करता चलूँ अगर आपके फंक्शन में बार बार कॉल होना है और कई सोर्स फाइलों से कॉल होना है अभी तक तो हम यूजुअली एक सोर्स फाइल बनाते रहें और उसके अंदर इस्तेमाल करते रहें देन एज आई मैंशन अर्लियर विद द हेडर फाइल्स इट इज़ बेटर कि आप अपना इन फंक्शन जो है वो हेडर फाइल के अंदर डाल दें कम से कम उसका प्रोटोटाइप और डेफिनेशन उधर चली जाए लेकिन ये याद रहे कि जो भी फाइल इन लाइन फंक्शन को इस्तेमाल करती है उसको रिकम्पाइल करना लाजमी है क्योंकि वो कोड सब्स्टिट्यूशन हो सकती है लिहाजा यू डोंट वॉन्ट द कंपाइल प्रोग्राम टू बी आउट ऑफ डेट व्हेनेवर यू मेक अ चेंज इन द इन लाइन फंक्शन यू हैव टू रिकम्पाइल द प्रोग्राम वेर इट इज़ बींग यूज प्लीज़ कीप दैट इन माइंड अभी तक जो हमने दो तीन बातें की एनहांसमेंट्स टू सी इन सी प्लस प्लस दे वर एक्चुअली स्टाइलिस्टिक इश्यूज़ माइनर पॉइंट्स ये वो व्हाट इज़ द एक्साइटिंग पार्ट एक्साइटिंग पार्ट फॉर टूडेज टॉक और टूडेज लेक्चर इज़ फंक्शन ओवरलोडिंग ये क्या बला है फंक्शन ओवरलोडिंग एक्चुअली ओवरलोडिंग आप ऑलरेडी देखते आए हैं कहाँ देखते आए हैं जब आप सी आउट को कहते हैं कि जी लेस दैन लेस दैन लिख के आगे एक स्ट्रिंग लिख देते हैं डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर तो सी आउट प्रिंट कर देता है स्क्रीन के ऊपर आप सी आउट को कहते हैं ये इंटिजर आई है इसको प्रिंट कर दो वो इंटिजर की वैल्यू प्रिंट कर देता है आप उसको डबल देते हैं वो डबल की वैल्यू प्रिंट कर देता है विथ डेसीमल प्लेस इन सो ऑन सो या तो सी आउट के पास बहुत सा जादू है दैट इट इज़ एबल टू प्रिंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड स्ट्रिंग्स एट्सेट्रा नोइंग उनका फॉर्मेट क्या है ये एक्चुअली इज़ अ सटल फॉर्म ऑफ ओवरलोडिंग सी आउट का जो ऑपरेटर है विच इज़ द स्ट्रीम इन सर्शन ऑपरेटर वो ओवरलोडेड है अगर उसकी डेफिनेशन देखें तो काफ़ी सारे आपको मिलेंगे हेडर फाइल देख लें आई ओ स्ट्रीम डॉट एच यू विल फाइन दैट इट इज़ हेवीली ओवरलोडेड अभी तक मैं ओवरलोडेड ओवरलोडेड करता जा रहा हूँ मैंने बताया ही नहीं है कि जी ओवरलोडिंग होती क्या है ओवरलोडिंग बेसिकली इज़ Using the same name to perform multiple tasks or different tasks depending on the situation, so that is exactly what `cout` is doing. Depending on the situation, it either prints an integer, or it prints a double, or it prints a float, or it prints a character, or it prints a string. It all depends on the situation. That means the behavior is changing, but द फंक्शन सी आउट लेस दैन लेस दैन लुक्स आइडेंटिकप ना अभी तक आपको इतनी प्रोग्रामिंग आ गई और मैंने ये भी आपको बार बार कहा है कि ये तो बड़ी डम मशीनें हैं ये जो कंप्यूटर्स हैं ये बिल्कुल वही काम करती हैं जो हम इनको बताएँगे तो वो अपने तौर पर डिसीजन नहीं ले सकता इसके लिए टू बी एबल फॉर सी आउट टू बी एबल टू बिहेव डिफरेंटली इट मस्ट बी टोल्ड ऑल ऑफ दिस थिंग देट मीन्स उसको अलीहदा से बताना है कि जी इंटीजर को कैसे प्रिंट करना है उसको अलग-अलग से बताना है कि डबल को कैसे प्रिंट करना है एंड सो ऑन ये जो अलग-अलग बताया हुआ है इसमें जो ऑपरेटर इस्तेमाल किया हुआ है ये वही है डबल लेस दैन साइन सो इन अ वे so वो ऑपरेटर ओवरलोड हो रहा है आज के लिए हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग में नहीं जाएंगे हम सिर्फ अपनी जो डिस्कशन है वो फंक्शन ओवरलोडिंग तक महदूद रखेंगे फ़ंक्शन ओवरलोडिंग में कॉन्सेप्ट यही है कि जी फंक्शन का नाम वही रहेगा लेकिन शायद उसका बिहेवियर बदल जाए सिंपल एग्जांपल कि जी आपने स्क्वायर रूट लेनी है किसी नंबर की अब वो नंबर इंटिजर भी हो सकता है लॉन्ग भी हो सकता है फ्लोट भी हो सकता है डबल भी हो सकता है एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ़ द आर्गुमेंट, यू प्रोबली मे नीड टू डू अ डिफरेंट टाइप ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन सो वट डू वी डू नॉर्मली हम क्या करते हम इसके लिए let's से इंट फ्लोट डबल या दो ले लेते ले हैं इंट और डबल ले लेते हैं हम इसके लिए दो अलहदा अलग फंक्शंस लिखते हैं। हम कहते इंट square रूट और आगे लिखते इंट i उसका आर्गमेंट और दूसरा एक और फंक्शन लिखते हैं जिसका नाम होता डबल square रूट और उसका आर्गोमेंट होता double डबल या जो भी आप वेरिएबल नाम देना चाहें इसी तरह इनकी रिटर्न टाइप्स डिफरेंट होती के जी i की स्क्वेयर रूट जो है

और जहां पे आपने इंटीजर की स्क्वायर रूट लेनी है वहां कॉल करें इंट स्क्वायर रूट फंक्शन द नेम इज डिफरेंट इट प्रजेज़ ओवर हेड फॉर आस इट मतलब हमें दो तीन इससे साथ प्रॉब्लम आते हैं एक तो हमें कई नाम याद रखने पड़ रहे हैं कि जी वो इंट स्क्वायर रूट लिखा था वो जी डबल स्क्वायर रूट लिखा था फंक्शंस के नाम बढ़ते जा रहे हैं बिहेवियर एक ही किस्म का है एक ही नहीं है एक ही किस्म का है हम कह रहे हैं स्क्वायर रूट लेनी है दूसरी चीज़ कि जी आप डबल स्क्वेयर रूट को कॉल करें और उसको इंटीजर पास कर दें तो फिर क्या होगा वेल अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली कंपाइलर्स आर सो इंटेलिजेंट कि वो आपने इंट पास किया उसको वो पहले डबल में कन्वर्ट करके डबल स्क्वेयर रूट को पास कर देगा मे बी दैट इज नॉट वॉट वी वॉन्टेड मे बी वी वॉन्टेड कि जी इंट का जो स्क्वेयर रूट है वो रिटर्न भी इंट ही करे द क्लोजेस्ट नंबर क्लोज दैट इज क्लोज टू द स्क्र रूट वो वापस हो पर इंटीजर हो सो वी माइट हैव अ डिफरेंट बिहेवियर एंड ये इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हो रही है उसने इंटीजर को एलिवेट कर दिया डबल बना दिया और डबल स्क्वायर रूट फंक्शन को कॉल कर दिया ये नहीं देर इज़ नो वे ऑफ चेकिंग कि हमने करेक्ट फंक्शन इस्तेमाल किया है कि नहीं सो वॉट इज़ द सोल्यूशन सोल्यूशन इज टू यूज़ फंक्शन ओवरलोडिंग अब उसका तरीका क्या है हम लिखेंगे फिर भी दो तीन चार जितने फंक्शन हमें चाहिए उतने लिखेंगे अलहदा आहदा लिखेंगे फ़र्क ये है के तमाम फंक्शंस का नाम एक ही होगा इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल हम स्क्वेयर रूट ही लिखेंगे फंक्शन का नाम रिटर्न टाइप उसको देनी है डिपेंडिंग ऑन के कौन सा फंक्शन है हम रिटर्न टाइप बदल सकते हैं हम इंट की शायद रिटर्न टाइप हम कहेंगे जी इंट ही दो हमें जो भी हमने कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है उसके बाद और डबल के साथ हम कह रहे हैं कि जी इसकी रिटर्न टाइप डबल हो अब हाउ डू वी डिक्लेयर दैम इंट वाला स्क्यर रूट जो है उसकी डिक्लेरेशन आ जाएगी इंट स्क्वेयर रूट और पैरथीसीज के अंदर इंट आई और फिर उसकी बॉडी जो भी वो करती है इसी का दूसरा वर्जन जो है वो आएगा डबल और फंक्शन का नाम वही रहेगा स्क्र रूट और फिर पैरथीसीज के अंदर हमने लिख दिया डबल एक्स और आगे उसकी डेफिनेशन आ गई जो भी कॉम्पिटेशन करनी है अब वी हैव टू फंक्शन जिनका नाम एक है How will they be differentiated when the program uses these functions? The differentiation comes from the parameters which are passed to this function. If your program contains anywhere you square root and in parentheses you 10.5, So the compiler will automatically determine that 10.5 is not an integer. If it is not an integer, it's a float or a double. वो ऊपर फंक्शन प्रोटोटाइप के साथ मैच करेगा और देखेगा आह ये वाला फंक्शन है स्क्वेयर रूट का ये वाला वर्जन है जो कि डबल आर्गमेंट एक्सेप्ट करता है वो वाला फंक्शन कॉल होगा अब मैंने 10.5 कह दिया यहाँ पे एक्स भी हो सकता है अगर एक्स वेरिएबल जो है उसकी टाइप डेटा टाइप जो है वो डबल हो तो डबल वाला वर्जन स्क्वेयर रूट का कॉल होगा आगे चल के आप लिखते हैं स्क्वेयर रूट जे और जे जो है वो इंटीजर है तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर जो है इट विल मैच द प्रोटोटाइप एंड इट विल डिटेक्ट कि जी इंटीजर वाला वर्जन इस्तेमाल होना है वो इंटीजर वाला वर्जन इस्तेमाल होगा फ़ायदा क्या है हमारा प्रोग्राम जो है ना बड़ा रीडेबल बन गया है कि जी स्क्र रूट लेनी है स्क्वेयर रूट ले रहे हैं खत्म आई एम नॉट हैविंग टू वरी अबाउट मैंने इंट स्क्वेयेर रूट लिखा हुआ है और कहीं डबल स्क्वेयर रूट लिखा हुआ है और कई नाम जो है वो कंट्राइव कर रहे हैं हाउ डज द कंपाइलर डिफ्रेंशिएट

लेकिन एक में दो जाने हैं एक वाली कॉल के अंदर तीन इंटेजस जाने हैं सो वेन यू मेक द कॉल इफ़ यू कॉल एफ विद टू इंट्स एज द आर्गमेंट तो वो दो इंटेजस वाला एफ जो है वहाँ पे कॉल होगा ऑटोमेटिकली यू डोंट हैव टू डू एनी थिंग डिफरेंट जब आप एफ़ ही का नाम लिख के आगे आप तो उसके तीन इंटेजस दे, दे देंगे तो तीन इंटेज वाला वर्जन कॉल हो जाएगा अभी तक आप में से जो शार्प हैं उन्होंने एक चीज़ नोटिस की होगी मैं रिटर्न टाइप की बात जो है गोल कर गया हूँ मैं उसकी बात नहीं कर रहा वजह उसकी ये है कि रिटर्न टाइप इज नॉट अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ ओवरलोडेड फंक्शंस प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस यू कैन नॉट राइट टू फंक्शंस एक आप लिखते हैं इंट एफ इंट और दूसरा आप लिखते हैं डबल एफ इंट एक्सपेक्ट किया डिफरेंट होंगे दे आर नॉट डिफरेंट इनफैक्ट कंपायलर ही नहीं गुजरने देगा वो कहफिने द डिफरशियन बिटवीन ओवर लोडेड एंड द नंबर ऑफ आर्गोमेंट पास टू द फंक्शन एंड नॉट बाई द रिटर्न टाइप लेट्स एग्जाम्पल एक चीज जो कि बार बार हमें जरूरत आती है वो है प्रिंट करना किसी चीज को ठीक है ना हम सी आउट इस्तेमाल करते आए मे बी वी वॉन्ट टू राइट आर ओन फंक्शन जो कि बड़ा पोलाइटली कहे द वैल्यू ऑफ द इंटीजर इज़ आई किसी और जगह पे हम कॉल करें डबल के साथ और तो लिखे द वैल्यू ऑफ द डबल वेरिएबल इज़ और आगे उसकी वैल्यू आ जाए अगर हम प्रिंट कॉल करें स्ट्रिंग के साथ दैट द स्ट्रिंग इन क्वेश्चन इज़ और आगे स्ट्रिंग लिख दी जाए वही बात जो पहले मैं कर रहा था या तो आप लिखें इंट प्रिंट डबल प्रिंट स्ट्रिंग प्रिंट और डिफरेंट नामों के साथ फंक्शंस लिखने शुरू कर दें फंक्शंस तो आपको उतने ही लिखने पड़ेंगे वो इतना बड़ा एडवांटेज नहीं है लेकिन जब कोड पढ़ रहे होंगे उसमें बहुत एडवांटेज आ जाता है आप कहते हैं प्रिंट आई प्रिंट एक्स प्रिंट एस विर इज एन इंटीजर एक्स इज़ अ डबल एस इज़ अ स्ट्रिंग एंड द अप्रोप्रियट फंक्शन इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड सो ओवरलोडिंग फंक्शंस इज वेरी वेरी यूजफुल अब आप अपने लिए अगेन यू हैव टू सेट डाउन एंड राइट अ फ्यू ओवरलोडेड फंक्शंस तरीका आप छोटा सा मेन लिखेंगे लेकिन मेन से पहले आप यही प्रिंट फंक्शन ले लें और यही तीन ले लें बेशक इंट डबल और स्ट्रिंग इसके लिए तीन फंक्शंस लिखें जो अंदर सी आउट के साथ आइडेंटिफाई कर सके दिस अ गुड वे ऑफ डिबर्गिंग प्रोग्राम्स आल्सो कि जी आउटपुट में अंदर कोई चीज़ प्रिंट करा लो ताकि नज़र आए कि प्रोग्राम ने क्या किया है तो आप सी आउट के साथ पहले लिखेंगे द वैल्यू ऑफ द इंटीजर इज फलाना जो भी उसको आर्गूमेंट पास किया इन द इंटीजर वर्जन ऑफ द प्रिंट फंक्शन दूसरा वर्जन लिखें आप द वैल्यू ऑफ़ द डबल वेरिएबल इज़ और वो जो वेरिएबल की वैल्यू पास हुई है वो कर लें उसके बाद आप लिखें द वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग पास्ट इज़ और सारे सी आउट के साथ लिखें मेन प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर एन इंटीजर डिक्लेयर अ डबल

अ lot of intelligence was built in in the o function overloading थोड़ा सा आप सोचेंगे तो सही कि जी नाम print है वो compiler कैसे काम करता है कैसे differentiate करता है उसकी थोड़ा सा मैं आपको hint दे देता हूँ है तो advanced topic, but it's nice to know। जब कंपाइलर इन functions को कंपाइल करने जाता है तो वो उनके नाम के अलावा वही differentiating फीचर्स यानी नंबर एंड टाइप ऑफ द आर्गूमेंट्स उनको इंक्लूड कर लेता है और इन दोनों चीज़ों को एक मशीन में डाल के घुमा के एक नया नाम जनरेट करता है बिकॉज द नंबर एंड द टाइप ऑफ़ द आर्गूमेंट्स हैव टू बी डिफरेंट फॉर द फंक्शन टू बी ओवरलोडेड दैट मीन्स जो कि नया नाम निकला इस मशीन के अंदर से वो यूनिक है तो ये यूनिक नेम जो है दिस इज़ एबल टू दिस अलाउज़ द कंपाइलर टू कॉल द करेक्ट फंक्शन एट द करेक्ट टाइम इसको फॉर्मली इसको कहा जाता है नेम मैंगलिंग नाम पकड़ा है उसको मशीन you know, में से घुमा के मैंगल कर दिया वो मैंगल कर रहा है लेकिन उसको यूनिक बना रहा है सो इट कैन कॉल द करेक्ट फंक्शन ऑपरेटर या फंक्शन ओवरलोडिंग इज फेयरली एक्साइटिंग एंड आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इसको थोड़ा से अपने लिए ट्राई करें कुछ आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे किताब में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके हैंड आउट्स में भी एक तो हमने लिखे हुए हैं लेकिन अपने लिए ले भी लिखें एंड कन्विंस योर सेल्फ दैट फंक्शन ओवरलोडिंग एक्चुअली वर्कस ये कुछ बैकग्राउंड एक्सटेंशंस थी C++ जो इंट्रोड्यूस किए उसने ओवर द सी लैंग्वेज फॉर्मली वी विल गेट इन टू क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स नेक्स्ट टाइम एंड यू विल नोटिस कि यही जो चीज़ें हैं ये बार बार अब इस्तेमाल होने लग पड़ेंगी सो टिल नेक्स्ट टाइम खुदा हाफिज़